हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसकी लास्ट डेट बहुत नजदीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। इसकी सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो ये इस चैलेंज का नाम क्या है, आपने क्या कभी पहले सुना है? फटाफट से मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपने इस चैलेंज के बारे में कभी सुना है? आर्यभट्टा नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2024। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने सास्कों की वीडियो बनाई थी तो कई लोग निकल के आए थे। सर ये तो हमने पहली बार सुना। तो बस इसीलिए है, फिजिक्स वाला आपके लिए, ओलंपियाड वाला आपके लिए हर नई न्यूज लेके आता है, हर नए कॉम्पिटिशन के बारे में लेके आता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। और इसका प्राइज अगर आप सुनोगे ना तो आप सच में आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अच्छा, 8th क्लास में भी मुझे क्या ये प्राइज मिल सकता है, 9th में मिल सकता है, 10th में मिल सकता है, सब लोग दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको 12th के बाद भी दे सकते हैं। तो आपके बड़े भैया लोग जो हैं आप उनको भी एग्जाम गाइड कर सकते हो जो मैथ्स के लवर्स हैं, कि भाई आप भी इस एग्जाम को दो और रनर प्राइज जरूर से जरूर लो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के अपने टॉपिक का नाम है आर्यभट्टा नेशनल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन 2024। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिशन है क्या, इसका सिलेबस क्या है? देखो, सिलेबस जो है ना वो स्कूल रिलेटेड ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत आगे आपसे पूछ लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप आयुर्वेद बेंच में हो, आपने मैथ्स पढ़ रहे हो, आप आयुर्वेद बूस्टर भी आपके लिए लेके आए हैं हम लोग, तो उनसे ज्यादा सिलेबस तो नहीं है ना। वही मैथ्स टू मैथ्स सिलेबस आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी एक बच्चे से मिला था रिसेंटली, अभी कुछ दिनों पहले। उसके मैंने सर्टिफिकेट देखे ना, सच में वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था। ये नहीं कि सर्टिफिकेट ज्यादा है तो टैलेंटेड है, नहीं, आप ये देखो कि उसने हर एक एग्जाम दिया है, कोशिश तो करी है कि यार इस एग्जाम को देने से क्या मैं नया सीख पा रहा हूँ। उसने वो ट्राई किया। बच्चे का कहना भी यही था कि सर मैंने ये एग्जाम जो दिए हैं इनको देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिखाना है कि देखो भैया मेरे पास सर्टिफिकेट कितने हैं। उसका देने का मतलब है कि उसको पता तो लगे कि भैया मैं किस लेवल की मैथ पढ़ रहा हूँ, किस लेवल की चीजें मैं गेट कर रहा हूं, उनसे क्या मुझे फायदे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसका नाम तो आपने जान ही लिया, अब आते हैं कि भैया सर अप्लाई कैसे करना है। तो आपको गूगल पे टाइप करना है आर्यभट्ट नेशनल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो वहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी AICTSD, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलप, गवर्नमेंट एग्जाम। ये एक गवर्नमेंट ही कराती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट फंडेड है, वही इस एग्जाम को कराती है। इसको बोलते हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल को क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सभी जो अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स है उन्होंने इस एग्जाम को प्रमोट किया है। ठीक है, इस एग्जाम को कैसे फिल करना है, आपको नीचे आना है, टॉपर देख सकते हो आप 2022-23 के। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, ये ऑल इंडिया रैंक 3 है। ठीक है, वही क्लास 6, देखो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो क्लास 6 से है, देखो ऑल इंडिया रैंक 3 जो है वो क्लास 7 से है। मतलब आप भी बात समझ रहे हो कि अगर आप छोटी क्लासेस में हो तब भी आपको ये जज्बा होना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। जैसे आप आईक्यूएम के रिजल्ट में भी देखोगे ना तो 8th क्लास के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आप ये वाली बात समझ गए होंगे। अब यहां पर देखो, आप इनका इंटरव्यू देख सकते हो कैसे कैसे इनके जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं वो भी अच्छे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर। आपको यहाँ से अप्लाई पे जाना है, अप्लाई जैसे ही आप करोगे तो एक और नई वेबसाइट खुलेगी, फिर आपको क्लास चुननी है। लेट सपोज आप क्लास 10th में हो अभी इस टाइम, मतलब आपने इस ईयर किसके एग्जाम दिए है, बात समझना। अगर आपने इस साल 9th के एग्जाम दिए तो आप 9th का फॉर्म भरना, आप 10th में हो गए हो लेकिन आपने एग्जाम किसके दिए है, 9th के लिए, तो आप 9th के लिए। अगर आपने सर 10th के एग्जाम दिए तो आप 10th पर क्लिक करना। 10th पर क्लिक करोगे आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब फिल करोगे और आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपको 290 रुपीज, ज्यादा फीस नहीं है, 290 रुपीज पे करने हैं इस कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई किया, फ्यू सीट्स ही बची हुई है, ये कुछ ही लोगों का एग्जाम लेते हैं, ऐसा नहीं है जैसे ही सीट फिल हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं या फिर फीस रिफंड कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भैया 4 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज जो होनी चाहिए वो 28 होनी चाहिए।
28 पर। फर्स्ट प्राइज भैया ये आ गया है, फर्स्ट प्राइज जो है वो 1 लाख रुपीज है, सेकंड प्राइज जो है वो 50,000 है, थर्ड प्राइज जो है बच्चों 25,000। तो ऐसा नहीं है कि भैया कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, पार्टिसिपेशन पे भी आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। फोर्थ प्राइज जो है वो 2,000 है, फिफ्थ प्राइज जो है वो अप्रिसिएशन 500 रुपीज आपको मिल जाएंगे। 54th से लेके 153 तक जो आएंगे उनको 500 मिलेगा, और फोर्थ रैंक से लेके 53rd तक जो आएंगे उनको 2,000 रुपीज ईच मिलेगा। ठीक है, इसमें भी दिखाया था मैं आपको ये कैसे कैसे मिलेगा, जीरो टॉपर ये ना, हाँ ये टॉपर। ठीक है, अब एग्जाम का शेड्यूल, एग्जाम लास्ट डेट है 30th अप्रैल रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 21st मई, ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट वो 10th जून को आएगा। अब ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू, अब जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा लाइव, ठीक है, आपका एक लाइव इंटरव्यू होगा, डेट इज होगा आपके पास 20th जून को, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 30th जून को आ जाएगा। एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है भैया, आपको घर से बैठे एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइव इंटरव्यू होगा वो टॉप 20 स्टूडेंट्स का होगा, और टॉप 20 स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्जाम में सिलेक्ट होंगे उनका जो लाइव इंटरव्यू होगा वो आउट ऑफ टॉप 20 स्टूडेंट टॉप 3 विल बी डिक्लेयर्ड एज, मतलब लाइव इंटरव्यू जो होगा वो नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड एज रनर, मतलब जो रैंक आएगी वो टॉप ऑनलाइन इंटरव्यू टॉप 20 होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो है वो इंटरव्यू के बाद मिलेगा, फोर्थ प्राइज से जो है जो अपनी कॉम्पिटिशन में रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एग्जाम का फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू रहेंगे, शेड्यूल जो है वो आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, 45 मिनट का एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स 60 है, नेगेटिव मार्किंग हाँ है, 1 मार्क की है। इसके बाद बच्चों ये सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, अगर आप जैसे 9th क्लास का सिलेबस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो, 9th क्लास का देखो सिलेबस में क्या क्या है, ऐसी कोई चीज है क्या जो आपने नहीं पढ़ी, देखते हैं भैया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये सब आपने पढ़ रखा है, परसेंटेज का यूज, ठीक है, रेशनल नंबर्स आपने पूरा पढ़ रखा है, अलजेब्रा के सिंपल इक्वेशन, अरे भैया ये तो सब आपने पढ़ रखा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एरिया एंड वॉल्यूम आपने पढ़ रखा है बस, और इससे आपको पूछ ही नहीं रहा, इन सब बातें तो आपको पता है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप पता कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेबस पता कर सकते हो, और सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। IQM का 2.0 बैच आ रहा है, मतलब आ चुका है, इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना है, उनके लिए मैं आइडिया दे देता हूँ, आप 1.0 परचेज कर लो, 1.0 परचेज करोगे तो 2.0 आपको फ्री मिल जाएगा, मतलब आपको एक ही का प्राइस देना, ठीक है, अगर आपने 1.0 ले रखा है तो आपको 2.0 ऑलरेडी फ्री मिल गया होगा, जिन भी लोगों को नहीं मिला अपने नाम कमेंट सेक्शन में जरूर, जो आपका नाम है वो हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दे, हम आपको उस पे रिप्लाई टीम आपको कनेक्ट कर ले, ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।